नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं, इस शो में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि कई सारा जो फॉर्मेट है वो बदलाव किया गया है। इस सीजन की बात करें तो, सीजन 12 की बात करें तो केबीसी में हर बार की तरह जो है इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। और ठीक उसी तरीके से जैसे आपको पहले भी मालूम है कि केबीसी के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि केबीसी का री रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो आप केबीसी के हॉट सीट पे जो भी प्रतिभागी पहुंचते हैं या फिर आप स्क्रीन पे केबीसी का शो जो आप देखते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर प्रतिभागी को वहाँ पर 4 लाइफलाइन दिया जाता है। 4 लाइफलाइन कौन कौन सा होता है वो आपको पता होता है, जिसमें आपको ऑडियंस पोल भी एक मिल जाता है, 50-50 मिलता है, फ्लिप का क्वेश्चन मिलता है और फिर एक्सपर्ट की राय होता है। 4 आपको वहाँ पे लाइफलाइन मिलता है। उस 4 लाइफलाइन में एक जो ऑडियंस पोल होता है वो इस बार यानी कि केबीसी सीजन 12 में जो है ऑडियंस पोल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब साफ साफ हो गया है कि अब जो भी प्रतिभागी केबीसी 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर जो प्रतिभागी हॉट सीट पर जाकर पहुंचने वाले हैं, उनको ऑडियंस पोल जो है नहीं मिलने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफलाइन 4 है तो 3 मिलेगा, नहीं, लाइफलाइन 4 ही मिलेगा, लेकिन ऑडियंस पोल के जगह जो है दूसरा कोई व्यवस्था वहाँ पे किया जा रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ऑडियंस पोल के जगह पे क्या दिया जाएगा, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि इस बार केबीसी के मंच पे जो है ऑडियंस पोल किसी भी प्रतिभागी को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अभी लगभग आप समझ गए होंगे। हालांकि ये पहले से निर्धारित नहीं था कि ऑडियंस पोल को जो है यहाँ से हटाया जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारा जो शो आप देखते होंगे, चाहे वो हम डांसिंग की बात करें या फिर सिंगिंग की बात करें, तो लॉकडाउन की अवस्था में भी उस शो का जो है शूटिंग स्टार्ट हुआ और प्रसारण भी शुरू हुआ है। हालांकि अगर इस बीच हम बात करें तो सोनी टीवी चैनल पे ही इंडिया बेस्ट डांसर का एक डांसिंग शो चलता है, वो भी लॉकडाउन के पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उस शो को रोका गया था और फिर से जो है उस शो को स्टार्ट किया गया। इस तरीके से जी टी वी पर भी सारेगामा का सिंगिंग एपिसोड चलता है, सारा शो जो है स्टार्ट हुआ। लेकिन इंडिया बेस्ट डांसर की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे, अगर हम वहाँ पे जज की बात करें या फिर मेंबर की बात करें, तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं इस शूटिंग की अवस्था के दौरान। पहले से वो लोग नहीं थे, पहले से वो लोग स्वस्थ थे, लेकिन शूटिंग जिस तरीके से हुआ है उस बीच जो है काफ़ी सारे वहाँ मेंबर हैं, लगभग 8 से 10 मेंबर बताया जा रहा है कि इंडिया बेस्ट डांसर के 8 से 10 मेंबर जो है कोरोना पॉजिटिव है। अब इसी सब चर्चा को देखकर जो है केबीसी का जो ऑडियंस पोल है वो वहाँ से हटा दिया गया। ऑडियंस पोल का मतलब आप समझते होंगे कि केबीसी के मंच पे काफ़ी सारा वहाँ पे क्राउड होता है, यानी कि भीड़ होता है, जो पब्लिक वहाँ पे जाते हैं वो प्रतिभागी को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं एज ए ऑडियंस पोल के रूप में। आपको जो लाइफलाइन मिलता है तो एक लाइफलाइन उसमें ऑडियंस पोल होता है जिसमें ऑडियंस आपको साथ देते हैं, लेकिन इस बार किसी भी प्रतिभागी को ऑडियंस पोल नहीं मिलने वाला है। इसलिए ऑडियंस पोल के जगह पे दूसरा क्या व्यवस्था किया जाएगा अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे कि वहाँ पर क्या व्यवस्था होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि केबीसी के इतिहास में पहली बार तो एक बदलाव हुआ कि रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा हुआ, और दूसरा बदलाव यहाँ पे ये हुआ है कि जो यहाँ पे 4 आपको लाइफलाइन मिलता है उसमें ऑडियंस पोल नहीं मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको केबीसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में ये भी बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका बार बार मेल यहाँ पे आ रहा है और पूछ रहे हैं कि क्या जिनका पीआई कॉल आ चुका है, यानी कि वैसे प्रतिभागी जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है, क्या वो एफएफ के लिए चुने जाएंगे या फिर वहाँ से भी वो माइनस हो सकते हैं। तो इसका जो भी आपका टेंशन है या फिर जो आप जिस तरीके से चिंतित होकर बैठे हुए हैं, तो वैसे प्रतिभागी जिनका केबीसी की तरफ से जो है पीआई कॉल हो चुका है, यानी कि आप ऑनलाइन ऑडिशन जो है अपना वहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जरिए जो है अपना आप वहाँ ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट किए हुए हैं, यानी कि पीआई कॉल अगर आपका हो चुका है तो 110% आप केबीसी के एफएफएफ के लिए जो है बुलाए जाएंगे। यानी कि पीआई कॉल जिन प्रतिभागी का हो चुका है वो मुंबई फास्टेस्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए आने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि मुंबई आने के बाद आप एफएफएफ में सेलेक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रतिभागी जो है वो लौट कर वापस जाते हैं। तो अगर आप यहां पे एफएफएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो 110% जो है आप हॉट सीट पे जाने वाले हैं, और वहां से जो भी आप जिस सवाल का जवाब आप देंगे, जितना जवाब देंगे उस अनुसार जो है आप रकम यहां से जीत कर जाने वाले हैं। लेकिन एक तो सबसे पहली बात, अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या पीआई कॉल का एफएफ कॉल भी जो है एफएफ के लिए वहाँ पर डिस्कनेक्ट होता है, तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है तो आप 110% जो है केबीसी के रडार पे हैं। जिस समय यानी कि अपने समय के अनुसार या फिर जिस तरीके से वहाँ चयनित किया जाएगा प्रतिभागी को फास्टेस्ट फिंगर फास्ट टाइम के लिए
ग्रुप बनाया जाएगा, आपका जब बारी आएगा तो उस बार जो है आपके पास कॉल किया जाएगा। लेकिन ये 110% है कि जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है उनके पास फास्टेस्ट फिंगर फास्ट टाइम के लिए बुलावा जाएगा ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में खास यही बताने वाले थे कि जो भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको जो है इस बार यहाँ पे जो आप वहाँ पे ऑडियंस पोल आपको मिलता था लाइफलाइन, वो इस बार ऑडियंस पोल किसी भी प्रतिभागी को नहीं मिलेगा।